और अब सवाल कि क्या हाथ का साथ छोड़ेंगे इमरान, क्योंकि यूपी चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से दल बदल भी तेज दिखाई देता है। सपा एक बार फिर से कांग्रेस को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। दरअसल कांग्रेस सचिव इमरान मसूद आज अपने करीबियों और समर्थकों के साथ बैठक करने जा रहे हैं और उनसे बात करने के बाद सपा में जाने का वो फाइनल फैसला लेने वाले हैं। एबीपी गंगा से बातचीत में इमरान मसूद ने साफ कर दिया है कि वो सपा का दामन थामने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने समर्थकों से बात कर सपा में शामिल होंगे, इसका फैसला लेंगे और माना जा रहा है कि आज कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में सीधी टक्कर होती हुई बन रही है। उस परिस्थिति के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी रूप में, परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हम उनके साधक बन जाएं, वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए मैंने तय किया, साथियों से मशवरा कर, साथियों से बात कर कि मैं समाजवादी पार्टी के साथ इस चुनाव के अंदर जाने का काम करूँगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जो काम अखिलेश यादव जी की सरकार ने किए, मैंने पहले भी कहा था कि अखिलेश जी ने नौजवानों के लिए जो काम किए हैं वो मील का पत्थर हैं। अखिलेश जी ने प्रदेश के विकास के लिए काम जो किए हैं वो मील का पत्थर हैं। अखिलेश जी के किए हुए काम 5 साल के जो उनकी सरकार के अंदर किए गए थे, उन अधूरे कामों को पूरा करने के अंदर पूरे 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने फीका काटने में लगा दिए। तो इमरान मसूद आज अपने समर्थकों के साथ, करीबियों के साथ बैठक करने वाले हैं और बड़ा फैसला ले सकते हैं। समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं, साइकिल की वो सवारी कर सकते हैं, ये संकेत वो कई बार दे चुके हैं, लेकिन आज कब बैठक उनकी होने वाली है, उस बैठक में कौन कौन पहुंचेगा ये भी जान लेते हैं। बलराम मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। बलराम, क्योंकि इमरान मसूद लगातार ये संकेत दे रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, आज एक बैठक भी उनकी होने जा रही है, बैठक को लेकर क्या जानकारी आपके पास? देखिए जया, इमरान मसूद ने एबीपी गंगा से बातचीत के दौरान साफ कर दिया था कि वो अब कांग्रेस का दामन छोड़ेंगे और साइकिल पर सवार होंगे, लेकिन आज वो सुबह 11 बजे एक अपने समर्थकों के साथ बैठक करेंगे और उस बैठक में आम सहमति के साथ वो ऐलान करेंगे कि वो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इमरान मसूद के साथ कौन कौन लोग साइकिल पर सवार होते हैं। माना यह भी जा रहा है कि जो सहारनपुर जिले में 2 विधायक हैं कांग्रेस के, बेहट से नरेश सैनी और सहारनपुर देहात से मसूद अख्तर, ये भी इस बैठक में शामिल होंगे और उम्मीद जताई जा रही है कि इमरान मसूद के साथ ये भी कांग्रेस को छोड़ेंगे और समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। आज सैकड़ों की तादाद में लोग इमरान मसूद के साथ साइकिल पर सवार हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। और यही वजह है कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, सभी की निगाहें इस बैठक पे हैं कि आखिरकार इमरान मसूद के साथ कौन कौन समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए इस बैठक में जा रहा है और इस बैठक में क्या कुछ निर्णय होता है, इस पर भी कांग्रेस की नजर है और खास तौर से जो विपक्षी दल है उनकी भी, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से इमरान मसूद ने कांग्रेस को छोड़ करके साइकिल पर सवार होने का मन बनाया है और खास तौर से उस वक्त जब चुनाव की घोषणा हो चुकी है और कुछ ही वक्त रह गए हैं मतदान को, क्योंकि अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 15 जिलों की, तो यहाँ पर पहले चरण में ही मतदान होगा, उसमें सहारनपुर भी शामिल है, गौतम बुद्ध नगर भी शामिल है, मेरठ भी शामिल है, यानी जो मुख्य शहर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उनमें पहले चरण में ही चुनाव हो जाएगा और दूसरे चरण में जो बाकी जिले हैं उन पर चुनाव होना, तो यानी पहले और दूसरे चरण में ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतदान होना है। ऐसे में इमरान मसूद का ये ऐलान कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा घातक साबित होने वाला है, क्योंकि जहां एक तरफ प्रियंका गांधी पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत पूरे प्रदेश में कांग्रेस की नई राजनीतिक जमीन को तैयार कर रही है, वहीं धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो कांग्रेस के नेता है वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इमरान मसूद से जब कल एबीपी गंगा ने बातचीत की थी, आपने खुद उनसे बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने हमेशा उनकी बात सुनी है, लेकिन अब जब वो ये लगातार संकेत दे रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में इतनी मजबूत नहीं दिखाई देती और इसलिए उन्हें विकल्प चुनना पड़ेगा, घर वापसी करनी पड़ेगी, ऐसे में आपने कांग्रेस के नेताओं से भी बात की होगी, उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं से, क्या रिएक्शन उनका है
इमरान मसूद के इस फैसले पर, उनकी प्रतिक्रियाएं क्या इस पर दिखाई देती हैं? देखिए, जो कांग्रेस नेता है उनका साफ तौर से कहना था कि इस बार इमरान मसूद को कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ना चाहिए था और आगे की जो रणनीति होती वो पार्टी नेतृत्व तय करता। लेकिन इमरान मसूद ने साफ कहा कि हमने कांग्रेस के हाई कमान को पहले ही सुझाव दिया था कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 2022 में आने से रोकना है तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना होगा, और उन्होंने ये सुझाव करीब 4 महीने पहले दिया था और उन्होंने कहा था कि अभी वक्त है, अगर दोनों पार्टियों में गठबंधन होता है तो दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे को समझ सकेंगे और उसके बाद पूरी मजबूती के साथ 2022 में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अगर हम समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम भारतीय जनता पार्टी को वॉक ओवर दे रहे हैं, यानी बिल्कुल। और देखना होगा कि इमरान मसूद ने जिस बात का जिक्र किया है वो इसमें कितना कामयाब होते हैं, ये तो नतीजों के बाद पता चलेगा। बहुत शुक्रिया बलराम, तमाम जानकारी के लिए आपका।